आदाब नाजरीन, आज अक्टूबर की 3 तारीख साल 2022 ईस्वी सन 1444 हिजरी रबीउल अव्वल की 6 तारीख दिन जो है वो मंडे यानी सोमवार है। आप देख रहे द कुकर नाग न्यूज, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान माजिद सलाम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, पेश करते हैं मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की अहम सुर्खियों पर। गांधी जयंती की 1 माह तक जारी रहने वाली तकरीबात इत्तेमाम पजीर। 1947 में जब मुल्क में उदासी थी, गांधी जी को कश्मीर में उम्मीद की किरण नजर आई। तरक्की के लिए अमन का कयाम जरूरी। मजहब माशरे में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। राह भटके नौजवान मरकजी दायरे में शामिल हो। एलजी। पुलवामा में फोर्सेस के पार्टी पर हमला। शुपया में मसला तसद्दुम आरई। पुलिस अहलकार और मकामी मिलिटेंट हलाक। सीआरपीएफ अफसर जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर और बुखारी की हमले की मजम्मत। पुलवामा हमले के बाद वादी में हाई अलर्ट। शहर में जगह जगह नाके। करना और सोपुर में दिलदोज हादसा। कमसिन बच्ची समेत 2 अफराद लुकमे अजब। उधमपुर में हमले में सुटकी बम का इस्तेमाल किया गया। साबिक मिलिटेंट गिरफ्तार। पुलिस सरबरा। 4 IEDs और चेकिंग वाले बम बरामद। तहकीकात जारी। अव्वल से 9वीं जमात के इम्तिहानात भी मार्च सेशन में मुनक्कद कराने का फैसला। हुक्मनामा रवा हफ्ते में ही मुतवक्का। वजीर दाखिला 5 अक्टूबर को बारामुल्ला में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल। बुध को बारामुल्ला में लोगों का सैलाब आमड़ आएगा। नई तारीख रकम होने जारी है। रविंदर रैना। कानपुर में एक और खौफनाक हादसा। 5 हलाक 10 जख्मी। सत्यपाल मलिक की बहसियत गवर्नर आइन मुद्दत मुकम्मल। अरुणाचल के गवर्नर बीडी शर्मा को मेघालय के गवर्नर का इजाफी चार्ज। करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इंतजामिया के माबेन बातचीत बगैर नतीजा खत्म। एसोसिएशन की हड़ताल का बैक टू विलेज प्रोग्राम के 4थे मरहले की तैयारियों को हतमी शक्ल। अगले महीने से होगा आगाज। जिले तरक्याती कमिश्नरों और देही तरक्की महकमे के माबेन मशवरा। मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर मोहम्मद रफीक रथर का सियासी सफर शुरू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आला तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए आला सती कमेटी तश्कील। एलजी चेयरमैन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर नायब चेयरमैन। खून का अतिय करके हम दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। खून कीमत शायद जिंदगी बचा सकती है। डीआईजी। चीन की खुशकसाली से 900 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर। खुराक और तवानाई की सलामती को खतरा लाहक। इलेक्ट्रिक रेल सर्विस रवा हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। रेलवे हुकाम की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल। राजौरी में देर रात शदीद जलजला। तालाबारी मक्की और गास तबाह। बर्बाद लाखों का नुकसान। इंतजामिया से तखमी लगाने का मुतालबा। कोरोना की रफ्तार धीमी। जम्मू व कश्मीर में सिर्फ 6 नए केसेस। 13 अफराद शिफाया। अब आखिर पर मौसम के मुतालिक जानकारी। पहाड़ों पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी। अफरोड गुलमर्ग में बर्फ की परत बिछ गई। इसी के साथ ही आज की सुर्खियां यहीं पर इख्तिताम होती है। दीजिए अपने मेजबान माजिद सलाम, ऑनलाइन एडिटर राजा रासिफ और द कुकर नाग न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह की बात।